सलीम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये हमारे बॉम्बे में जो प्रॉपर्टी के रेट दिन पर दिन हाई होते जा रहे हैं, जी तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि क्या आखिर क्या है जो इतने बॉम्बे में प्रॉपर्टी रेट हाई हो रहे हैं, वो भी क्रीम एरिया की बात की जाए तो। ऐसा है कि मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और फॉरेन फंडिंग ज़्यादा हो रही है, इसीलिए रेट्स मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स आर वेरी गुड, दैट इज़ अ रीज़न, एक ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा ऐसा है कि बॉम्बे सिटी कैन गो अपवर्ड्स, नॉट लाइक यू कैन स्प्रेड इट, मतलब आप ऐसा फैल नहीं सकते, जैसे दिल्ली में बहुत जगह है आगे बढ़ने की, गुड़गांव है ये, बॉम्बे में ऐसा कि यू हैव टू गो अपवर्ड। तो यही रीज़न है कि हर आदमी चाहता है कि बॉम्बे के सिटी के अंदर ही रहे, बॉम्बे के बाहर नहीं जाए, तो इसलिए रेट भी बढ़ रहे हैं और पीपल आगे फॉरेन इन्वेस्टर्स का कम है। अच्छा, अगर क्रीम एरिया की बात की जाए तो वो जो नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है उसके रेट तो चलिए समझ सकते हैं कि चलिए वहाँ पे लोग आम जनता रह रही है, लेकिन अगर बांद्रा बैंड स्टैंड काटर रोड ये सब एरिया की बात की जाए, पाली हिल जो, तो इसकी क्या है, इसका इसका क्या रेट चल रहा है इस प्रेजेंट में? ऐसा काटर रोड है, बैंड स्टैंड है, अगर नई बिल्डिंग है तो 30,000 रुपये तक आपको आना चाहिए, अगर पुरानी बिल्डिंग है तो 18-20 हज़ार रुपये तक मिलना चाहिए, इट्स फेसिंग सी साइड तो 30,000 रुपये तक मिलना चाहिए। थोड़ा और विद गुड एमिनिटीज, थोड़ा और ब्रीफली थोड़ा बताइए उस एरिया के बारे में। ये लाइक एवरीबडी हैज़ देयर ओन टेस्ट, सबका अपना अपना टेस्ट रहता है कि भाई मुझे सी साइड चाहिए बस, और मेन चार्म इज़ सी, दैट्स अ मेन चार्म। अगर बैंड स्टैंड की बात की जाए तो अभी शाहरुख का जो घर है मन्नत, वो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में बना हुआ है, सब कुछ है, तो उस उनके घर की बात की जाए तो उनके घर की आज रिसेट वैल्यू या क्या होगी? बंगले की बात कर रहे हो या फ्लैट की बात कर रहे हो जो पीछे बनी? दोनों की, पहले आप बंगले के बारे में। बंगले की तो आई डोंट नो द एरिया हाउ मच इट इज, लेकिन 40,000 रुपये से कम तो होना नहीं चाहिए पर स्क्वायर फीट, और फ्लैट का भी समवेयर देयर ओनली लाइक 30-35 हज़ार रुपये एक स्क्वायर फीट का बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि शाहरुख ने जो अभी पीछे जो बिल्डिंग बन रही है उसमें उन्होंने एक एक पूरा फ्लोर जो अपना अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट किया हुआ है, फरहान को, तो एक एक फ्लोर जो है उसकी आज कीमत कितनी होगी? कीमत अगर 3,000 फुट का एक फ्लोर होएगा तो उसकी कीमत करीब होना चाहिए 10-12 करोड़ रुपये एक फ्लोर की। जी, उनके बगल में जैसे जो बंगले हैं शाहरुख के बगल में, वो एक नॉर्मल फैमिली लोग वहाँ रहते हैं, तो एक नॉर्मल फैमिली जब एक स्टार के बगल में रहती है तो क्या उसकी वैल्यू भी उतनी ही है जितनी शाहरुख के बंगले की है? ये सर अपनी अपनी सोच है, जैसा आप सोचे, लाइक मेरे हिसाब से अगर आपके बाजू में कोई फिल्म स्टार है या कोई पॉलिटिशियन है तो इट डजंट मेक इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो जगह है वो इम्पोर्टेंट, जैसे आपको बताया दरिया है सामने और एक अच्छा लोकेशन है, इसी वजह से इसका रेट ज़्यादा है। स्टार्स तो जुहू पे भी रहते हैं और बांद्रा में भी रहते हैं, जो इंटीरियर्स में रहते हैं उसके इतने रेट नहीं है। ये नहीं, ये वजह नहीं कि शाहरुख रह रहा है या कोई और रह रहा है स्टार तो उस वजह से रेट बढ़ा है, ये तो पूरी मार्केट के अंदर एक भूल है। आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए, जब शाहरुख ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी जी, तो उस प्रॉपर्टी की उस समय वैल्यू क्या थी? 10 साल पहले मार्केट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटेड, लाइक उस टाइम पे भी ऐसा रेट था 20,000-25,000, फिर एक वक्त ऐसा आया जो 94 में मेरे ख्याल से 12,000 तक गया, इट वेंट डाउन, नीचे आ गया, तो मेरे ख्याल से उस वक्त उसकी वैल्यू होगी पूरे बंगले की वैल्यू 8-10 करोड़ रुपये तक होना चाहिए उस टाइम पर। आज अगर बात की जाए तो कम से कम मेरे ख्याल से 50 करोड़ तक भी उसकी वैल्यू, उससे भी ज़्यादा, इंक्लूडिंग द बिल्डिंग एनीवेज। अगर कैटर रोड की बात की जाए तो सलमान ने अभी नया मतलब कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं नई प्रॉपर्टी में, सुना है, तो वो प्रॉपर्टी का क्या मतलब किस क्या रेंज चल रहा है वहाँ का बताएं आपको? 30,000 रुपये तक कम से कम नया बनने के बाद विद गुड एमिनिटीज लेटेस्ट एमिनिटीज 30,000 रुपये तक आना चाहिए। 30,000 रुपये सेम कॉस्ट होगी अभिषेक जी की भी?
अभिषेक जी की सही है। अगर यही प्रॉपर्टी कोई क्या, क्योंकि अगर उन्होंने किसी बिल्डर से वो खरीदी है प्रॉपर्टी, ऐसे मन अगर शाहरुख की बात की जाए तो उनका हेरिटेज प्रॉपर्टी में आता था वो, जी लेकिन इनके ये फ्रेश है, तो फ्रेश में और हेरिटेज में किस तरीके का क्या डिफरेंट, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? हेरिटेज में ऐसा है कि कलेक्टर का प्रॉब्लम रहता है, मतलब यू हैव टू टेक एनओसी फ्रॉम द कलेक्टर। विदाउट डेट दे कैन आस्क रुपीज, 1 रुपी ऑल्सो दे कैन आस्क, 10 करोड़ ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द कलेक्टर। मतलब ये डिपेंड करता है कलेक्टर टू कलेक्टर पे, कि वह आपसे 1 रुपया भी ले लें और 10 करोड़ रुपये भी ले लें, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपकी वहाँ पहचान हो जैसे आपकी बात हो।